तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, नहीं होगा। आपने मुझे राजस्थान विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैंने माननीय सभापति महोदय, माननीय बाली से आने वाले माननीय सदस्यों को भी सुना और माननीय धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को भी सुना। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप धौलपुर से आने वाले सदस्य माननीय कह रहे थे राजाखेड़ा 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी हमने डेवलप की। मैं चैलेंज देना चाहती हूँ आज पूरे सदन में, 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी यदि जनरेट की हो और कहीं इसका आंकड़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी यदि 1100 मेगावाट आंकड़ा किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि चार साल के बजट भाषण उठा के देख लीजिए और 4 साल के बजट भाषण के अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय 4 साल के माननीय महामहिम का अभिभाषण उठा के देख लीजिए, किसी भी अभिभाषण में 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी को हमने जनरेट कियो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे थे हर बजट स्पीच में, 5 सालों की बजट इसमें स्पीच में 5 साल के महामहिम अभिभाषण जी के बजट में जिन्होंने बार बार महामहिम से ये कहलवाया कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, और 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया, हमको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आज की स्थिति ये है कि 23,000 मेगावाट बिजली तो कहाँ गई, आज लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, उसका सबसे बड़ा यदि सबसे जरूरी कारण यदि कोई है तो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिसके कारण से बिजली आज नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी, आपने उल्लेख किया 650 मेगावाट छबड़ा और 600 मेगावाट सूरतगढ़ की 7वीं और 8वीं यूनिट के बारे में, लेकिन उनको कब बजट मिला, ये यूनिट अलग से बने उनके लिए कब सरकार ने प्रोविजन किया बजट में, कब टेंडर हुआ, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ और कब बन करके वो तैयार हुए और कब से उत्पादन करेगी, यदि इसकी डिटेल में मैं चली जाऊं तो हंसी का पात्र बनेगी कांग्रेस की गवर्नमेंट की, कितना बड़ा मजाक हमारी जनता से इस कांग्रेस के गवर्नमेंट ने किया। माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी आपके सामने, क्योंकि देखिए आंकड़ों की जादूगरी कैसी करनी है उन्होंने परंपरा से सीख ली है, क्योंकि 70 सालों से राज जो करते आए थे ना इसलिए परंपरा से सीखी है। आप देखिए राजकोषीय घाटा 2019-20 में 3.77%, 2021 में 5.82%, 21-22 में 3.96, 22-23 में 3.76 और 23-24 के आरी में 4.26 और अभी एक्चुअल जो है 24-25 का वो 3.93। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसत वार्षिक राजकोषीय घाटा यदि इन 5 सालों का मैं एवरेज निकालूँ तो 4.31% है, जिसको हमने अच्छा प्रबंध करके उसको हमने FRBM एक्ट के समकक्ष के नीचे लाने की कोशिश की है और राजकोषीय घाटे की जो सीमा है उसको निर्धारित करने का हमने प्रयत्न किया है। और इसी तरह से माननीय बता रहे थे GSDP के बारे में, तो मैं GSDP के बारे में बताना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, 2023 तक GSDP की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी माननीय सभापति महोदय, वो 2024 में बढ़कर 11.98% से 12.56% हो गई है और ये बताता है कि किस तरह से हमारी सरकार गुड गवर्नेंस, क्योंकि GSDP जब बढ़ती है जब गुड गवर्नेंस होता है, जब भ्रष्टाचार नहीं होता है, जब ट्रांसपेरेंसी के साथ में सरकार काम करती है, तो गुड गवर्नेंस के कारण ही 17,01,883 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,81,078 करोड़ रुपए ये GSDP अभी अनुमानित है। तो इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। और रियल एस्टेट के बारे में माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगी, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने
फ्लैट्स शहरी क्षेत्र में फ्लैट्स की कीमतों को कम करने के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी 5% घटाकर 2% किए और 50 लाख रुपए तक के जो फ्लैट से उसमें 6% से कम करके 5% किए। मैं एक सुझाव देना चाहूँगी धन्यवाद देने के साथ साथ, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा रोजगार सृजन का क्षेत्र है जहाँ से रोजगार भी सृजन किया जा सकता है, जैसा इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है और हमारी GDP भी बढ़ सकती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि DLC रेट या फेस वैल्यू दोनों के ऊपर जो वर्तमान में एक जनरल स्टैम्प ड्यूटी है, क्योंकि रियल एस्टेट या फ्लैट्स तो जयपुर और बड़े महानगरीय शहरों में ही संभव है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में फ्लैट्स की कल्चर अभी भी नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगी कि 6% की जो स्टैम्प ड्यूटी है उस 6% की स्टैम्प ड्यूटी को कम करके रैशनलाइज किया जाए पूरे राजस्थान भर के लिए, इसको 6% से कम करके 4% किया जाए। और महाराष्ट्र की तर्ज पर महाराष्ट्र की एक स्टडी आई थी, उस स्टडी में यदि हम स्टैम्प ड्यूटी कम करते हैं तो हमको रेवेन्यू जो पंजीयन नहीं हो पाते, जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाती, जो एग्रीमेंट के आधार पर या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सेल डीड्स होती हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को रेवेन्यू मिले इसलिए स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जाए। महाराष्ट्र के एक स्टडी है, उस स्टडी के आधार पर यदि हम देखेंगे तो महाराष्ट्र ने और गुजरात ने अपना स्टैम्प ड्यूटी कम किया और उस स्टैम्प ड्यूटी को कम करने का फायदा ये रहा कि 4 गुना रेवेन्यू जो रजिस्ट्रेशन और मुद्रांक विभाग से जो रेवेन्यू हमको मिल रहा था एकदम से उस साल वो रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया। यदि ये रेवेन्यू हमारा आता है तो जो हमारा राजकोषीय घाटिया वर्तमान में है उसको और कम करने में हमको मदद मिलेगी और साथ साथ में लोगों को के जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑथराइज होंगे, पंजीयन और रजिस्ट्रेशन विभाग से ऑथराइज होंगे, उनको रजिस्ट्री मिल जाएगी तो एक तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट उनका बन जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी गौ सेस के बारे में। माननीय अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब कोविड आया तब आपने गौ सेस पर जो लिया हुआ रेवेन्यू था उसको मानव जनित जितनी महामारी है या जितनी अकाल है उसके लिए भी खर्च करने की बात करी। मेरा निवेदन है कि उसको पुनः समाप्त करके आप गौ सेस को गौ के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से उससे फायदा मिलेगा। एक माननीय सभापति महोदय, ई व्हीकल्स की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है और वो ई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर जितना शुल्क लगता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट में ई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर छूट दी है, साथ ही साथ उनके चार्जिंग के लिए स्टेशन लगाने की पॉलिसी भी नई लेकर के आए। तो उस पॉलिसी को राजस्थान में कैसे बढ़ावा मिले उस पॉलिसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मेरे पास बोलने के लिए तो 3-4 पॉइंट और पेट्रोल डीजल के संबंध में बोलना चाहती हूँ, आबकारी के विषय में भी बोलना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आबकारी हमारे यहाँ जितना रेवेन्यू आबकारी से आता है, हमारे पास 4:30 बजे विपक्ष का नेता बोलेगा और सदन का नेता 5:30 बजे बोलेगा, उसके पहले 7 वक्ता है। अब जो बोल रहे हैं तो वो समय लास्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि महिला हूँ और इसलिए ज्यादा समय देना चाहिए आपको, मैं निवेदन करना चाहूंगी आबकारी नीति के बारे में। आबकारी के बारे में बहुत दिनों से ये डिमांड थी, हमारे एक पूर्व विधायक महोदय ने भी इस डिमांड के चलते वो स्वर्गवासी हो गए। जितनी आबकारी डिपार्टमेंट की रेवेन्यू हमको मिलता है, हम बार बार ये कहते हैं कि रेवेन्यू हमको मिल रहा है, इसलिए हम शराबबंदी नहीं कर सकते। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शराबबंदी को धीरे धीरे फेजेस में करते हुए बंद करना चाहिए ताकि जितना पैसा हमको रेवेन्यू से मिलता मुझे उस नशाबंदी पर खर्च करते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए।